मांगे पूरी करो, हमारी 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 मांगे पूरी करो। वेतन न मिलने के कारण कोसी कला में विद्युत संविदा कर्मियों ने हड़ताल कर दी। इन लोगों का कहना था कि हम लोगों को 3 माह का वेतन न मिलने के कारण बच्चे और परिवार भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं, जिससे उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि उनका वेतन नहीं मिला तो वे 12 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे। हमको वेतन के रूप में 6600 रुपए दिए जाते हैं, जबकि शासन से 10000 रुपए माह मिलते हैं। उनका कहना था कि उनका ठेकेदार अनमोल दीक्षित है, वो उनका पूरा वेतन नहीं देता और सारा वेतन बाबू और ठेकेदार मिलकर खा जाते हैं। उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, ना ही कोई उपचार मिलता है। उनका सारा शरीर जल चुका है, ना तो कोई मेडिकल सुविधा है, ना कोई वेतन भत्ता। इन सभी का कहना था कि वे भ्रष्टाचारी ठेकेदार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने पहले भी हड़ताल की थी तो SDO ने उनको आश्वासन देकर फिर काम पर बुला लिया। वे ये सोचते रहे कि तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन सब्र का पैमाना अब छलक रहा है। वे अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, फिर भी उनको सही टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती। इनका कहना था कि आखिर हम न्याय के लिए जाएं तो कहां जाएं? पैसों के लिए इस तरह शोषण होता रहेगा तो आखिर कैसे काम चलेगा। कोसी कला से मंच न्यूज के लिए लोकेश गर्ग की रिपोर्ट। मान जी, क्या परेशानी है? तनख्वाह नहीं मिल रही। कब से? 14 महीना चल रहा है। क्या काम करते हो आप? जात मीटर के लाइन मैंने बिजली का काम करे हैं। अच्छा, तो आपने अधिकारियों को कोई सूचित किया? अधिकारी इनको सूचित कर दिया, वो कहते हैं आएगी आएगी आएगी, आती है नहीं तनख्वाह। तो फिर आपने क्या किया? फिर हम हड़ताल कर रहे हैं अपनी। कब से कब तक होगी हड़ताल? ये हमारी 12 तारीख से हड़ताल कर देंगे हम। 12 तारीख के बाद में काम नहीं करेंगे। 12 तारीख के आसपास दिया उन्होंने तनख्वाह, आ जाएगी 2 महीना की। आपने कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया? हाँ, हमने दे दिया है नोटिस, दे दिया है। फिर हमारा लेटर। फिर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2 महीना की तनख्वाह डलवा देंगे। किसी के तो 8100 रुपए आ रहे हैं और किसी के 6600 रुपए आ रहे हैं। हमारी मांग है सबके 8100 रुपए होने चाहिए। ऊपर से कितना वेतन आ रहा है? ऊपर से 10000 रुपए से ज्यादा आ रहा है और हमारे खा जाते हैं लोग। कमीशन को नहीं, ठेकेदार खा जाता है पैसे को। ठेकेदार कौन है यहाँ का? ठेकेदार हमको नाम नहीं पता, ठेकेदार हमारे पास आता ही नहीं है। अच्छा, तो आपको कितनी पे मिल रही है? अब मेरी तो 8100 रुपए है, हमारे 10 लाइन मैन है, इनकी 6600 रुपए है, 6500 आए इनके सबके 8100 रुपए होने चाहिए। पहले भी हड़ताल हुई थी वेतन को लेकर, उसमें क्या हुआ? उसमें भी कुछ नहीं हुआ, ये आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएंगे, किसी के नहीं हुए। और देखो हम सगड़े जले पड़े, हमारे मतलब कुछ भी PF वगैरह, हमारा PF रोका पड़ा है, वो भी नहीं आ रहा कई कई साल का, और मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। PF नंबर नहीं मिलता हमको, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही बिजली विभाग से, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। हमें 24 घंटा की ड्यूटी करनी पड़ रही है। हमको यहाँ फीटर के लाइन मैन है हम। ताराचंद, जो आज हड़ताल कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? वेतन के लिए। कब से नहीं मिला? 3 माह से। क्यों नहीं मिल रहा? चला चौथा साल हो गया, 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। अधिकारी कहते हैं कल मिल जाए, मिलता है नहीं है। तो इसमें क्या कह रहे? अब शासन दिया तो आपसे पहले तनख्वाह दिलवाई जाएगी 2 महीने की होगी। कितनी? अभी 6600 रुपए मिल रही है फिलहाल में। अच्छा, पैसे कितनी है आपकी? किसी के 10000 ऊपर है। तो ऐसा क्यों मिल रहा है? कमीशन घोरी हो रही है, क्या हो रहा है? पता नहीं, घोरी बीच में ले रहे हैं सब लोग। अच्छा।